हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभाक्षी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है करंट अफेयर्स की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर थिंग, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमसे बोला था कि वीडियो को थोड़ा चेंज करके बनाया जाए, तो आज हम उन्हीं के कहने पर थोड़ा वीडियो चेंज्ड लुक दिखेगा आपको वीडियो का। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको ये चेंज लुक कैसा लगा, और इन केस आप अगर चाहते हैं कि किसी और तरीके से वीडियो बने तो वो भी मेंशन कीजिए, बिकॉज योर फीडबैक्स आर वैल्यूएबल टू अस। हमारी फर्स्ट न्यूज है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में। तो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की थी, उसने अप्रूव किया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज टू को। ये क्या है? ये इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि लद्दाख में होगा। अब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है क्या, ये इनिशिएटिव किस लिए है, इसका एम क्या है? ये इंटीग्रेटिंग एंड इवैक्यूएटिंग रिन्यूएबल एनर्जीज इनटू इंडियाज पावर ग्रिड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। अब इसका सस्टेनेबल ग्रोथ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है। बेसिकली इसका काम है कि ग्रीन ग्रीन दैट इज सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, और उन एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों से हमारा बिजली का उत्पादन। अब इसका दो फेज हैं। जो पहला फेज था उसमें जो स्टेट्स थी वो थी गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, जिसका इंटीग्रेशन एंड इवैक्यूएशन हुआ था, जिसमें 24 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हुई थी। अब जो सेकेंड फेज है उसमें 7 स्टेट्स हैं जो कि है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। अब ये जो एम है, ये टारगेट किया गया है, ये 5 ईयर्स के लिए है, दैट इज 2021 एंड 2022 से स्टार्ट हुआ था, 21 एंड 22 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ था, और ये जाएगा 25-26 के फाइनेंशियल ईयर तक। तो इन पांच सालों में इसका टारगेट है 20 गीगावाट ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना और इंटीग्रेटेड एंड पावर इवैक्यूएशन करना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सिंक्रोनाइज करे एनर्जी, दैट सिंक्रोनाइज दैट इज विंड एंड सोलर एनर्जी को सिंक्रोनाइज करे फॉर कन्वेक्शनल पावर सोर्सेज। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोरल रीफ्स। जियोलॉजिस्ट ने ईस्टर्न लद्दाख हिमालयाज में कोरल रीफ्स के फॉसिल्स मिले हैं। और ये फॉसिल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वी नो कि जो हिमालय रीजन है वो कॉन्टिनेंटल इमर्जेंस, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उनके इमर्जेंस से बना है, और कहीं ना कहीं 30-40 मिलियन ईयर्स अगो नीचे सबमर्ज हो गया था बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल इमर्जेंस। सो ये हमें एक प्रूफ देता है, एक एविडेंस देता है कि पृथ्वी के नीचे थे और उनकी कोरल रीफ्स भी मिली हैं। अब रीफ्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, और ये एक वाइटल मरीन इकोलॉजी है जो कि इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये दो दो विलेज है जो कि गुजरात में है, और इस विलेज को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है। और ये जो बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड सेरेमनी थी, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने समरकंद उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज की थी। अब इसको क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट में इसका बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा है, और इसमें इसी विलेज में फेमस रन उत्सव भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सफर हमारा यहीं तक था, अब आपसे कल मुलाकात होगी। Till then, be healthy and safe. Bye-bye.